वेलकम फ्रेंड्स, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए एक नई ऑप्शन की वीडियो, और आज की वीडियो में समझेंगे ट्रैप इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने समझा कि कैसे आप इनिशिएटेड बाइंग क्वांटिटी और इनिशिएटेड सेल क्वांटिटी से आप ट्रेड बना सकते हैं टेक्निकल चार्ट को यूज करके, और आज हम जानेंगे मिस्टर वरुण शेट्टी जी से कि कैसे आप ट्रैप इंडिकेटर को समझ सकते हैं और कैसे आप ट्रैप इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड बना सकते हैं। तो वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर वरुण शेट्टी जी को, और उसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज ट्रैप इंडिकेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उमेश जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए फिर से आपके चैनल पर। और डेफिनेटली आज हम ट्रैप इंडिकेटर का जो कंसेप्ट है, कैसे आप ऑप्शन सेलर्स का सेंटिमेंट आइडेंटिफाई कर पाओगे अंडरलाइन के मूवमेंट को समझने के लिए, वो हम आज देखेंगे, राइट। सो काफी ट्रेडर्स मैं देखता हूँ यू नो मोमेंटम चेसिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। सो वाइल टेक्निकल एनालिसिस काफी अच्छा यू नो एक मेथड है करने के लिए, बट अगर आप उसको डेरिवेटिव के साथ पेयर करो तो और भी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है उस चीज में, राइट। सो ऑप्शन सेलर्स के जो ट्रेड्स होते हैं, जो भी ऑप्शन राइटर्स अपने ट्रेड्स बनाते हैं, वो कोई सीक्रेट नहीं होते, राइट। बिकॉज अगर आप ओपन इंटरेस्ट टूल ओपन कर लो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑप्शन सेलर्स ने कौन से स्ट्राइक प्राइसेस पर अपने पोजीशंस बनाए हुए, राइट। सो बेसिकली इस चीज को आइडेंटिफाई आप कर सकते हो बेस्ड ऑन अनवाइंडिंग्स एंड एडिशंस, ठीक है। सो लेट्स से अगर दिख रहा है आपको कि कॉल सेलर्स हायर स्ट्राइक प्राइस पर अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आपको मल्टीपल कॉल स्ट्राइक्स पर अनवाइंडिंग दिख रही है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली जो कॉल सेलर्स है उनको लग रहा है कि जो अंडरलाइंग स्टॉक है या जो भी यू नो फ्यूचर्स है उसका प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली अगर आप देखते हो कि पुट सेलर्स अपनी पोजीशंस को नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी सेलर्स है वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अंडरलाइंग का प्राइस बेरिश की तरफ मूव करेगा। तो इस चीज को हम राइटर्स का जो मोमेंटम होता है जब वो लोग पोजिशन शिफ्ट कर रहे होते हैं, इस चीज के थ्रू हम कैप्चर कर पाते हैं कि अंडरलाइंग का मूव क्या हो सकता है। बिकॉज ऑप्शन सेलर्स को ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं जब भी हम ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, राइट। इसीलिए उनके सेंटिमेंट को समझकर ट्रेड करना इज अ वेरी गुड एग्जांपल यहाँ पर। तो जैसे अगर मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके बता दूं कि काफी लोग क्या करते हैं, सो मैं जस्ट ओपन कर देता हूँ। सो बहुत से लोग जो रिवर्सल्स आते हैं मार्केट में, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए RSI यूज करते हैं। तो RSI में जो डाइवर्जेंस आता है उसके बेसिस पे काफी सारे लोग ट्रेड्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, मार्केट ने इस पॉइंट पर एक बॉटम बनाया था, सेकेंडली इस पॉइंट पर भी बॉटम बनाया था। सो लेट्स से अगर मैं एक नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ कर लूं यहाँ पर, तो लेट्स से इस बॉटम से लेकर इस बॉटम तक, सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक लाइन बन गई है फर्स्टली, राइट। सेकेंडली अगर मैं RSI में सिमिलर लाइन बनाने जाऊं, राइट, सो RSI का बॉटम मार्केट के बॉटम के साथ यहां पर बना था फर्स्टली, राइट, इस पॉइंट पर। और सेकेंडली अगर मैं देखता हूं तो RSI ने जो बॉटम बनाया था वो यहां पर बनाया था उसके साथ, राइट। सो आप देख सकते हो मार्केट में जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है प्राइस के हिसाब से, वो नीचे की तरफ जा रही है, बट RSI के बॉटम्स पे जो मैं लगा रहा हूं वो लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखती है। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस इन RSI। काफी सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल अपकमिंग है या नहीं है ये समझने के लिए। सो वहां से आप देख सकते हो, वहां से डेफिनेटली निफ्टी जो है काफी बुलिश जा रहा है, राइट, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वहां से कंटिन्यूसली आप देख रहे हो ट्रेंडिंग चल रहा था बुलिश की तरफ। बट इस चीज को आप ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते? तो द आंसर इज येस, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दू ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, सो टाटा कम्युनिकेशंस में काफी अच्छा मूव मिल रहा है, हम देख रहे हैं, राइट, कल के दिन में भी अच्छा मूव मिला है, आज के दिन में भी काफी अच्छा मूव मिला है, राइट। तो इस चीज को आप पहले से आइडेंटिफाई कर पाते थे या नहीं कर पाते थे ये मैं बता रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर एनालिसिस फॉलो करो तो फ्राइडे को ही इस चीज का सिग्नल आ गया था कि टाटा कम्युनिकेशंस एक बुलिश ट्रेंड फॉलो करने वाला है मंडे से लेकर। तो कैसे हम देखते हैं, सो मैं हमारा जो ट्रेड रिकैप टूल है वो मैं ओपन करूंगा जिसमें हम हिस्टोरिकल ओपन इंटरेस्ट डेटा देख पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जस्ट एक न्यू स्ट्रेटजी में मैं जाकर टाटा कम्युनिकेशन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, टाटा कॉम। यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर लूंगा फ्राइडे की, विच वॉज 9th, और मैं टाइम सिलेक्ट कर लूंगा लेट्स से 15:15, विच इज 3:15, मतलब 9 तारीख को 3:15 को ही आप देख सकते थे कि टाटा कम्युनिकेशन में सेलर्स का क्या एंटिसिपेशन था। तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ओपन कर लूँ और यहाँ पर अगर मैं जूम कर लूँ इसे, सो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो ग्रीन बार्स है वो सारे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जो रेड बार्स है पुट का ओपन इंटरेस्ट, राइट। जो यहाँ पर हॉलो दिख रहा है दैट इज कॉल अनवाइंडिंग, और जहां पर डार्कर कलर्स दिख रहे हैं वहां पर एडिशन है। जैसे अगर यहाँ पर डार्क रेड दिख रहा है तो पुट एडिशन है, या डार्क ग्रीन दिख रहा है तो कॉल एडिशन है वहां पर। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो फ्राइडे के दिन पर
टाटा कम्युनिकेशंस का फ्यूचर प्राइस चल रहा था 1452 पर। से अगर आप ऊपर की तरफ के स्ट्राइक्स को देखो तो कंटिन्यूस आपको कॉल में अनवाइंडिंग दिख रही थी, ऑलमोस्ट सारे स्ट्राइक्स पर आपको दिख रहा था काफी जोरदार अनवाइंडिंग चल रही थी। तो मतलब सारे ही ऑप्शन सेलर्स को लग रहा था कि टाटा कम्युनिकेशंस का प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा और काफी बड़े मार्जिन से मूव मिलेगा, बिकॉज आप देख सकते हो सारे ही स्ट्राइक प्राइसेस में अनवाइंडिंग। तो इसके बेसिस पे आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाते थे कि टाटा कम्युनिकेशंस में एक अच्छा सा मूव मिलने वाला है ऑन द बुलिश एंड, तो आप अपनी बुलिश स्ट्रेटजी उसी दिन पर एग्जीक्यूट कर सकते थे या फिर मंडे मॉर्निंग को एग्जीक्यूट कर सकते। तो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसके थ्रू आप इजीली ये ग्राफ देखकर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। बट प्रॉब्लम ऐसा होता है, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि इस चीज को मैन्युअली करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज 200 एफएनओ स्टॉक्स है। अगर 200 एफएनओ स्टॉक्स को मैं ऐसे लाइव मार्केट या आफ्टर मार्केट भी अगर मैं एनालाइज करने जाऊं तो काफी मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, उसमें मैं ट्रेड प्रॉपरली नहीं ले पाऊंगा उस चीज में, राइट। सो उसके लिए हमारे पास जो है ट्रैप इंडिकेटर है। सो अगर मैं ट्रैप इंडिकेटर ओपन कर लू अभी, तो ट्रैप इंडिकेटर बहुत ही सिंपल सा टूल है जो आपको इसी चीज के बेसिस पे, इसी लॉजिक के बेसिस पे डायरेक्ट सिग्नल दे देता है कि कहां पर राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, कि राइटर्स का सेंटिमेंट क्या है टेक्निकली। सो यहां पर अगर हम देख ले, अगर मैं टाटा कम्युनिकेशन सर्च कर लू, सो आप देख सकते हो तो 9th को ही सिग्नल आया था, आप देख सकते हो सिग्नल डेट। अगर मैं एनोटेट कर लू यहां पर, तो सिग्नल डेट आप यहीं पर देख सकते हो कि 9th को सिग्नल आ गया था, तो आप इजिली मंडे को ट्रेड बना सकते थे इसमें। एंड इट वॉज अ कॉल राइटर्स ट्रैप सिग्नल, मतलब जिन्होंने कॉल बेचा था वो लोग ट्रैप हो रहे थे, ये टूल पहले आपको बता रहा था। और वहां से आप देख सकते हो करंटली इसका सिग्नल प्राइस था 1458 पर एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1631, मतलब ऑलमोस्ट 11% मिल रहा है। सो ऐसे ही जो मूव्स है आप इजिली कैप्चर कर पाते हो। इवन सिमिलर मूव हमें देखा था डिक्सन में, अगर मैं डिक्सन ओपन कर लू यहाँ पर, तो डिक्सन में भी सिमिलर मूव था। डिक्सन आप देख सकते हो, डिक्सन इज अप बाय 40%। डिक्सन का जो मूव आया था 19th मे को आया था, राइट, 19th मे को इसका सिग्नल आया था। 19th मे से आप देख सकते हो इट वाज अ कॉल राइटर्स ट्रैप सिग्नल, मतलब जो सेलर्स थे वो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, इसीलिए वो लोग अपनी पोजीशंस ऊपर के स्ट्राइक्स पर शिफ्ट कर रहे थे। उसके बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर डिक्सन हैज ऑल्सो मूव्ड अप बाय क्वाइट अ लॉट। आप देख सकते हो 3045 का सिग्नल प्राइस था, करंटली प्राइस चल रहा है 4349 पर। इसका अगर आप फ्यूचर प्राइस का चार्ट भी देख लो तो बहुत ही अर्ली ऑन कैप्चर कर लिया था, राइट। सो लेट्स जस्ट लुक एट द चार्ट। सो आप देख सकते हो, सो 19th यहां पर आया था, देखिए 19th वाज यहां पर उसका सिग्नल आया था, तो मतलब ब्रेकआउट के पहले ही उसने सिग्नल दे दिया था। ब्रेकआउट तो 22nd पर आया था, बट 19th को ही उसने सिग्नल दे दिया था कि यहां से डिक्सन बुलिश जाएगा, बिकॉज अगेन डिक्सन में कॉल राइटर्स हैवीली अनवाइंड कर रहे थे उस पॉइंट पर। तो इजिली आप ये मूव भी प्रेडिक्ट कर सकते थे, मे बी 22nd को ओपनिंग प्राइस पर आप ट्रेड कर सकते थे और वहां से आप देख सकते हो काफी अच्छा मूव मिला है। सो अराउंड लेट्स से अगर आप 22nd विच वॉज अ मंडे, उस दिन पर अगर आप मॉर्निंग में अराउंड 9:20 को भी अगर ट्रेड बना लेते कोई भी एक स्ट्रैटेजी, बुलिश स्ट्रैटेजी, तो डेफिनेटली ये ट्रेड काफी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता। सो ये जो मूव्स है आप इजिली कैप्चर कर पाते विद द हेल्प ऑफ ट्रैप इंडिकेटर। अभी द ब्यूटी ऑफ ट्रैप इंडिकेटर, मैं इतना क्यों उसे प्रेफर करता हूं बाकी किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से, बिकॉज आपको सिग्नल्स एक दिन पहले आ रहे हैं। सो ट्रैप इंडिकेटर में अगर आज सिग्नल आया है तो मतलब उसमें आप आराम से आफ्टर मार्केट एनालिसिस करके नेक्स्ट डे पर ट्रेड कर सकते हो। सो दैट इज द एंटायर लॉजिक, और जो पैरामीटर यही है इसका कि इसे हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मार्केट क्लोज हो जाता है मैं फिल्टर बाय डेट क्लिक करता हूँ और आज के जो भी सिग्नल्स है उनको मैं एनालाइज करूंगा। सो डेली बेसिस पे समवेयर अराउंड 10 से 15 सिग्नल आते हैं, तो 200 स्टॉक्स एनालाइज करने के अलावा आप सिर्फ ये 10 या 15 स्टॉक्स एनालाइज कर रहे हो और फिर उनमें से एक या दो ट्रेड्स आप इजीली बना सकते हो। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि बेसिकली ऑडियंस को बताने के लिए कि अनवाइंडिंग होती क्या है। अनवाइंडिंग है जैसे कॉल अनवाइंडिंग, मींस कि वो ऊपर की स्ट्राइक पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेलर होते हैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इट मींस है कि मार्केट वहां से बुलिश हो सकता है। दूसरा केस ये है कि अगर आप ट्रैप इंडिकेटर यूज करते हो तो जैसे कि सर ने बताया, वरुण जी ने,
इतने सारे 200 स्टॉक है, 200 स्टॉक में तो आप हर किसी को लगा के नहीं देख सकते। तो उसमें क्या है, ट्रैप इंडिकेटर पे जाइए, वहां पे आपके सामने जो लिस्ट है, जैसे कि आप बीपीसीएल देख रहे हैं या टाटा केमिकल देख रहे हैं, एमआरएफ, कैनरा बैंक देख रहे हैं, इतने सारे स्टॉक्स है, उसमें जाके आप थोड़ा चार्ट देखिए, अपनी खुद से रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं अपनी पोजिशन आप बना सकते हैं उसमें। तो जैसे डिक्सन में एक अपूप देखने को मिला, टाटा कम्युनिकेशन में अपूप देखने को मिला, तो उसका जो सिग्नल है वो एक दिन पहले मिल गया। तो ट्रैप इंडिकेटर का मतलब ये है कि आप ट्रैप इंडिकेटर की हेल्प से आप अनवाइंडिंग को समझ के, यानी कि आप ये देखेंगे कि इतनी अनवाइंडिंग हो रही है उसमें, और आप सेफली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे वरुण जी, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो अभी समझ में आया, ये कॉल राइटिंग, जैसे कि आप टैप इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड बना रहे हैं, तो उसमें हमें क्या मार्केट क्लोज होते समय ही चेक करना है, और इसमें जो हमारा जो ट्रेड होगा क्या वो उसमें पोजिशनल ही होगा? सो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि लाइव मार्केट में जब सिग्नल आते हैं, सब सिग्नल तो लाइव मार्केट में ही जनरेट होंगे, बट इनमें हमेशा एनालिसिस जब करना है मार्केट क्लोजिंग के बाद करना है। बिकॉज कैसा होता है, काफी बार अगर लेट्स से आज सिग्नल आया है कॉल राइटर स्ट्रैप का किसी स्टॉक, आज के दिन में ही अगर पूरा मूवमेंट आ गया है तो वो सिग्नल हट जाएगा। तो इसीलिए मैं नॉर्मली रेकमेंड नहीं करता इंट्राडे बेसिस पे यूज करने के लिए, बिकॉज इंट्राडे बेसिस पर अगर इसको यूज करोगे तो सारे स्टॉक्स में ट्रेड लेना पड़ेगा उस पॉइंट पर, तो दैट डज नॉट मेक प्रैक्टिकल सेंस। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इसको हमेशा आफ्टर मार्केट एनालिसिस के लिए यूज कीजिए, और इजीली नेक्स्ट डे अराउंड 9:20 के आसपास आप ट्रेड बना सकते हो। अभी आई अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट डे ट्रेड लेने के हिसाब से गैप अप और गैप डाउन रिस्क भी आ जाता है उसमें, राइट? सो इसीलिए हमने यहाँ पर सिग्नल प्राइस का मेट्रिक दिया हुआ है। सो सिग्नल प्राइस बेसिकली क्या है कि कौन से प्राइस पर सिग्नल जनरेट हुआ था वो आपको डायरेक्टली बताता है कि जब सिग्नल जनरेट हुआ था उसका प्राइस क्या था। सो हमें चाहिए कि पूरा सिग्नल प्राइस से आगे का मोमेंटम हम कैप्चर करें, राइट? तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि नेक्स्ट डे पे अगर सिग्नल प्राइस से 1% ऊपर या -1% नीचे अगर ओपन हुआ तो आपको ट्रेड नहीं बनाना है उसमें। सो अगर सिग्नल प्राइस के आसपास ओपन हुआ होगा तो डेफिनेटली आप जाकर ट्रेड बना सकते हो। तो इसलिए इसको सिंपल करने के लिए हमने रिटर्न्स का कॉलम दिया हुआ है, रिटर्न्स का कॉलम। सो रिटर्न्स के कॉलम के लिए अगर मैं लेट्स से कल के सिग्नल्स देख लूं कुछ, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 9:20 को मैं आज ओपन करता और मैं कल के सिग्नल्स चेक कर लेता, तो कल में आप देख सकते हो काफी सारे सिग्नल्स पॉजिटिव है, कुछ सिग्नल्स नेगेटिव की तरफ भी गए हुए हैं, राइट? सो यहां पर आपको नंबर क्या देखना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव 1% के बीच में जो स्टॉक्स है ना उनमें आप ट्रेड बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉर्निंग में देख रहा होता टाल भारत फॉर एग्जांपल, सो टाल भारत का रिटर्न मुझे क्या बता रहा है कि 1.1% पॉजिटिव है। सो उसका अगर आप सिग्नल प्राइस और अगर आप क्लोज प्राइस देखो, क्लोज प्राइस इज बेसिकली करंट प्राइस, उसमें 1% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो 1% से ऊपर चढ़ गया है वो, तो इसीलिए इसमें मोमेंटम आ गई है, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा। फिर बेसिकली क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही हो तो ही आप ट्रेड बना सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट डे अगर रिटर्न 0 से नेगेटिव 1 या पॉजिटिव 1 के बीच में है तो आप ट्रेड बना सकते हैं। राइट, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, बट एक चीज मैं जानना चाहूंगा इसमें कि हमने एक चीज चेक करी कि क्लोजिंग के टाइम पे कि कॉल अनवाइंडिंग हो रही है और अब हमें ट्रेड बनाना है, तो एक ट्रेडर है वो ट्रेड कैसे बनाएगा, वो क्या चार्ट की हेल्प से ट्रेड बनाएगा या फिर वो डायरेक्टली रिटर्न कैलकुलेट करके देखेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुए या डायरेक्टली ट्रेड बना देगा, तो उसमें क्या उसे किसी चार्ट को देखने की जरूरत है या नहीं? सो मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, आपका खुद का कोई सेटअप है, खुद का कोई कंफर्मेशन कोड है, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हो। सेकेंडली अगर आपको नेक्स्ट डे के हिसाब से देखना है तो नेक्स्ट डे के हिसाब से सिर्फ रिटर्न देखकर आप ट्रेड बना सकते हो, बिकॉज रिटर्न ऑलरेडी आपको प्राइस के बीच का डिफरेंस ही बता रहा है 1% नंबर में, राइट? या फिर अगर आपको देखना है तो आप चार्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो कि कितना बड़ा गैप अप है, कितना बड़ा गैप डाउन है, उसके बेसिस पे अगर आपको गेज करना है तो कर सकते हो। या फिर अगर आफ्टर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो बिल्टअप डेटा मैं रेकमेंड करता हूँ कि थोड़ा डेरिवेटिव पेयर कर सकते हो, कहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप, कहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, उसके बेसिस पे आप फिर ट्रेड्स बना पाओगे उसमें। सो आपको पता चलता है कि जो सिग्नल आया है वो एक लॉन्ग बिल्टअप की वजह से आया है या शॉर्ट की वजह से आया है या फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया, जैसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग में देखते हैं, राइट? सो वही बेसिक आइडिया है। तो अगर बिल्टअप, लोगों को काफी लोग प्रेफर नहीं करते बिल्टअप देखना, बट बिल्टअप देखना जरूरी है, बिकॉज कैसे बिल्टअप में आपको एक डेरिवेटिव कंपोनेंट मिल जाता है कि फ्यूचर्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट में कितना बिल्डअप आ रहा है, तो वहां पर पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस मूव में आपको पता चल जाता है उसमें। सो वही चीज आप इजिली पेयर कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण जी ये रहेगा, क्या ये हम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, क्या ट्रैप इंडिकेटर का यूज हम निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में या फिर निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं?
सो यस, ये यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बता दूं आपको, सो निफ्टी का सिग्नल करंटली चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के सिग्नल आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। सो 26 को दोनों के सिग्नल जनरेट हुए थे, मींस आपको नेक्स्ट डे पर ट्रेड बनाना था, राइट? नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब भी था तभी आपको ट्रेड बनाना था। वहां से आप देख सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ हैव मूव्ड अप बाय क्वाइट अ बिट, दोनों ही काफी अच्छा मूव मिला है दोनों ही आपको। सो ये बेसिकली लास्ट मंथ के एक्सपायरी के टाइम पर आए थे, राइट? ऑलमोस्ट लास्ट मंथ 29 मे की एक्सपायरी थी। तो आप टेक्निकली अगर आप पोजिशनली ट्रेड बना रहे हो तो इसको आप नेक्स्ट डे ही बनाते थे ट्रेड, नेक्स्ट डे के हिसाब से और नेक्स्ट एक्सपायरी में ही बनाते थे। तो मैं, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, बिकॉज उसमें थीटा का कंपोनेंट उतना ज्यादा नहीं होता है। अगर आप वीकली बना रहे हो तो जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि बुल कॉल स्प्रेड्स या बेयर पुट स्प्रेड्स आप बना सकते हो। सो डेबिट स्प्रेड्स के साथ आप अपना थीटा निगेट कर सकते हो उसमें। ओके, अच्छा एक चीज हो रहा है कि और कोई कंफर्मेशन भी है जो हम देख सकते हैं इसमें? हाँ, सो कंफर्मेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सो मैं प्रेफर करता हूँ बिल्टअप डेटा देखना, बट अगर किसी को चार्ट पैटर्न से कुछ देखना है वो डेफिनेटली आप चार्ट्स में देख सकते हो। मैं खुद प्रेफर क्या करता हूँ मैं एक बार बता देता हूँ। सो अगर मैं बिल्टअप में जाऊँ, सो बिल्टअप में जाकर स्क्रिप्ट या सिंबल में जाकर आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर फ्यूचर ओआई देख सकते हो। सो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट में कितना बिल्डअप आ रहा है वो आप देख सकते हो। सो इसको हमने कलर कोड कर रखा है टेक्निकली। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसको, तो ग्रीन लॉन्ग के लिए दिया हुआ है, ब्लू लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए दिया है, रेड शॉर्ट के लिए दिया है और येलो शॉर्ट कवरिंग के लिए कलर दिया हुआ। सो हमें ओवरऑल ट्रेंड की जरूरत है सिंस हम पोजिशनली ट्रेड बना रहे हैं। तो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक बुलिश ट्रेंड बन जाता है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का एक बेरिश ट्रेंड बन जाता है। तो अगर लेट्स से मैं टाटा कम्युनिकेशन देख रहा होता जस्ट फॉर एग्जांपल, तो टाटा कम्युनिकेशन अगर मैं ओपन कर लूं, तो यहां पर आप ओवरऑल देख रहे हो कि सिग्नल 9th को आया था, बट 9th के पहले से अगर आप देखो कुछ देर तो कंटिन्यूअसली ग्रीन और ब्लू का साइकिल चलता हुआ दिख रहा है, दोनों का पेयर चलता हुआ दिख रहा है। क्यों? बिकॉज लोग लॉन्ग पोजिशन बना रहे हैं, फ्रेश बाइंग कर रहे हैं और टाइम टू टाइम जाकर प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी हेल्दी साइकिल। और वहां से आप देख सकते हो कि 9th के बाद 12th से काफी ऊपर की तरफ मूव कर लिया है टाटा कम्युनिकेशन। तो ये आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाते थे बिल्डअप के थ्रू भी। सो ऐसा, सो इसके साथ अगर आपको चार्ट पैटर्न्स देखने हैं तो आप उसको भी एनालाइज कर पाओगे। बट एक और है ऐसा कंफर्मेशन, जो हमारा प्राइस ओआई परसेंटाइल टूल है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा जो रिटेलर भी जानना चाहते होंगे जो वीडियोस देख रहे हैं, क्या इसके बेस पे नेकेड कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं? सो टेक्निकली हाँ, इसके बेसिस पे आप कर सकते हो नेकेड ऑप्शन बाइंग, बट मैं रेकमेंड करता हूँ, मेरी एक सिंपल सी फिलोसफी है। तो अगर आप एक्सपायरी के फर्स्ट 15 डेज में हो, सिंस आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करोगे, अगर आप फर्स्ट 15 डेज में हो तो डेफिनेटली जाकर आप यू नो नेकेड ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, बिकॉज उसमें थीटा का कंपोनेंट उतना ज्यादा नहीं। अगर आप सेकेंड हाफ में हो एक्सपायरी के, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में, अगर आपको लास्ट 15 डेज में, तो उसमें हमेशा डेबिट स्प्रेड बनाइए। सो बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड आप बनाते रहिए और उसमें इजीली आपको आपका थीटा का जो कंपोनेंट है वो नेगेट हो जाएगा, तो आप उसमें इजीली आपके ट्रेड्स बना सकते हो। फिर तो आपका जो भी टारगेट होगा, टारगेट के ऊपर का आप कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हो और एटीएम आप बाय कर सकते हो, और सिमिलरली अगर टारगेट है आपका बेरिश साइड में तो नीचे का पुट सेल करके एटीएम बाय कर सकते हो। राइट, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। अच्छा दूसरी चीज ये है कि एक और चीज है जो ऑडियंस जानना चाहती रहेगी, क्या ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए काम कर सकती है? सो टेक्निकली हाँ, इंट्राडे के लिए काम करती है, बट मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है तो भी सिग्नल आने के नेक्स्ट डे पर ही ट्रेड बनाइए। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर टाटा कम्युनिकेशन में आपने, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड बनाया हो, ठीक है, मैं जस्ट चार्ट ओपन कर लेता हूँ और हम टाटा कम्युनिकेशन का इंट्राडे चार्ट हम देख लेंगे। सो ये तो आज के दिन पर है, कल के दिन पर हम देखते हैं। सो कल के दिन पर यहाँ पर ओपन हुआ था, राइट? आप ट्रेड बनाओगे अराउंड 9:20 पर। सो 9:20 मतलब इस कैंडल पर आप ट्रेड बनाओगे। सो आपने लेट्स से अगर बनाया होता इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड, तो भी आपको काफी अच्छा मूव मिल जाता 9:20 के बाद से, ठीक है। सो लेट मी जस्ट सी द मूव, ठीक है, ये मूव हम एक बार प्लॉट कर लेते हैं। सो लेट्स से 9:20 के ओपनिंग कैंडल पर आप ट्रेड बना रहे हो, राइट? और वहां से आप होल्ड कर रहे हो इंट्राडे बेसिस के लिए। सो आप अराउंड 3:15-3:20 को आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे या 3:30 को आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे उस चीज को, तो भी आप देख सकते हो आपको अराउंड 3% का मूव इसमें मिला हुआ है। सो उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो। ओके एक सेकंड, माय बैड। सो मैंने गलती से आई गेस 9 तारीख का ही मैंने लगा लिया है, मुझे 12 का लगाना था, वही मैं बोलू 3% का मूव नहीं आया था कल के दिन पर। हाँ, सो यहाँ से ये है वो। सो आप देख सकते हो 9:20 को यहाँ पर ओपन हुआ था, इसके आप ओपनिंग पर ट्रेड बना रहे हो और वहां से आप देख सकते हो यहाँ तक आप एग्जिट कर दोगे। सो 3:30 को आप यहाँ पर एग्जिट कर दोगे। सो ये 9% का मूव आप कल इंट्राडे में भी आप कैप्चर कर सकते थे कल के दिन पर।
सो इंट्राडे के लिए भी यूज होता है, पोजिशनली भी यूज हो सकता है। मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि पोजिशनली थोड़े ज्यादा ट्रेड्स बनाइए, बट अगर आपको इंट्राडे भी बनाने हैं तो भी आपको सिग्नल तो एक दिन पहले ही आ रहा है, तो आप इजीली नेक्स्ट डे का व्यू बना सकते हो उसके बेसिस। तो आज बहुत अच्छा लगा अरुण जी, जो आपने ट्रैप इंडिकेटर के बारे में बताया, और हमने हमारी ऑडियंस ने भी आशा करूंगा बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, और मैं ये आशा करूंगा कि आप भी कॉन्सेप्ट का यूज करके, एप्लीकेशन का यूज करके, और इनके प्लेटफॉर्म का यूज करके, ट्रैप इंडिकेटर का यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड भी बना सकते हैं। तो ये टूल्स आपको कॉन्सेप्ट पे मिल जाएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर वरुण शेट्टी जी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और लोगों को आपने बताया है कि कैसे वो इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सैटरडे और एक और नई स्ट्रेटजी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो मैं मिस्टर वरुण शेट्टी जी को बोलना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं। डेफिनेटली, सो मैं फर्स्टली तो थैंक यू करना चाहूंगा सबको कि डेफिनेटली इन्होंने यू नो इतना सपोर्ट शो किया है जो भी हम सीरीज लेकर आ रहे हैं इसके लिए। एंड सेकेंडली, ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी गाइस। डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि सभी का ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सैटरडे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।